हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडी जी उर्फ आदित्य पटेल उर्फ ननू। तो आज की हॉरर स्टोरी ये सुनाएंगे। सो गाइस, मैं मतलब ये पर्सनली चीज़ है, मतलब ये पर्सनल एक बहुत ही मतलब पुरानी भी नहीं बोल सकते हैं, जिसको दो ढाई साल में मतलब एक मेरा दोस्त होता था, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा दोस्त था मेरा, और था नहीं मतलब है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं, मेरे इंस्टा पे भी है अभी। तो उसके साथ हुआ, तो वो चंडीगढ़ में रहता था, और मतलब चंडीगढ़ में, और वो कांगड़ा से है वैसे, वो बेसिकली पपरोड़ा, जिसको नाम सुना होगा आपने, पपरोड़ा कांगड़ा से, मतलब ऐसी ऐसी जगह है एक, तो वहाँ से था वो बंदा। तो मतलब दो ढाई साल पुरानी, तो उसने मेरे को मतलब वैसे फ़ोन किया, उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, कि तू आजा भाई, फिर आपके घर, हाँ मेरे घर आ रहा है। और फिर वो आया मतलब मेरे घर, तो फिर मैंने उसको बोला कि यहीं ठहर जा आज, तो मतलब हाँ। तो वो उसने बोला कि नहीं यार, मैं चल जाऊँगा मतलब शाम की बस लेके, शाम मतलब तीन साढ़े तीन चार चार साढ़े चार पाँच बजे, इतने बजे निकला वो वहाँ से, मतलब भोटा से निकला। तो वो मतलब जा रहा था, और मतलब पहुँच गया अपने घर। तो उसके घर का ना थोड़ा सा रास्ता है मतलब चलने के लिए, मतलब दो तीन किलोमीटर है पैदल चलने के लिए, फिर आता है उसका घर, मतलब प्रॉपर पपरोड़ा में ही है, लेकिन आगे पीछे है कहीं पे, एक होता है ना कि मतलब, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा ना ऐसे जंगल टाइप का है, मतलब तो थोड़ा बीच में थोड़ा जैसे 500-600 मीटर ना जंगल आता है, और वो पैदल चल रहा था। तो मतलब उनके घर को रास्ता है जंगल से? हाँ, मतलब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो, और 600-700 मीटर जो है बीच में वो जंगल पड़ता है, वैसे तो घर हैं और बाकी मतलब बाकी रहा इसमें। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, पहुंच गया वहाँ पे वो, मतलब उसने मेरे को बोला कि भाई मैं पहुंच गया। मैंने बोला चल ठीक है, आराम से जाइयो भी आगे। बोला कि चल ठीक है। तो उसने फ़ोन काट दिया, तो वो चल पड़ा जब, और जंगल में जैसे मतलब वो पहुंचा ना, तो रात की बात है, हाँ मतलब 7-8, 8-8, 9 बजे की बात है, 9-9.30 बजे, क्योंकि इतने बजे ही पहुँचा हो, मतलब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ से। तो फिर वो पहुँच गया मतलब वहाँ पे, और फिर उसने मतलब वैसे चल रहा था, उसने मेरे को फ़ोन कर दिया कि हाँ मैं भाई मतलब वैसे पहुँच गया हूँ, और आगे वो फिर जब वो चला और जंगल जैसा आया, तो फिर वो 200-300 मतलब वो चला, मतलब कदम चला, फिर जंगल आ गया मतलब बीच में, और जंगल में जंगल आया। तो उसने मेरे को फ़ोन फिर से किया, बोला कि भाई मैं मतलब मैं अभी चल पड़ा हूँ, तो तू मतलब ऐसे ऐसे घर पे भी बता दियो। तो मतलब अच्छा फ्रेंड था मेरा, वो था नहीं मतलब है अभी भी, चंडीगढ़ में पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पपरोड़ा से आओ, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि घर पे भी बता दियो तू कि मैं पहुँच गया हूँ आराम, मतलब ठीक ठाक। तो मैंने बोला तू अभी पहुँचा कहाँ है भाई, तू पहले ही बोल दे रहा है कि मतलब मैं पहुँच गया हूँ। बोले नहीं तू बता दियो ऐसे। मैंने बोला चल ठीक है भाई। फिर मैंने बता दिया घर पे कि मैं पहुँच गया वो, और फिर वो चला। फिर उसने ना थोड़ी देर बाद मेरे को उसने फ़ोन किया, तो हाँ, तो वो डरा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि वो भाग गया है। मैंने सोचा ऐसे कुत्ते कत्ते पड़ गए होंगे पीछे। मैंने बोला तू भाग गया, तू हाँफा क्यों है? बोला भाई यार सीन हो गया है, अफाए बंदे मतलब हो ही जाता है, एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले यहाँ पे आया फिर यहाँ से बंदा गया, तो एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बंदा। तो फिर मैंने बोला कि क्या हुआ तू भाग? मैं बोला कुत्ते वगैरह पड़े हैं पीछे। बोले नहीं नहीं भाई, मतलब एक सीन हो गया, तेरे को घर जा के बताऊँगा। फिर उसने घर पे मेरे को फ़ोन किया, तो उसने मेरे को बताया कि मतलब जब वो चला हुआ था, तो उसके पीछे ना ऐसे मतलब एक झांझरों की आवाज़, मतलब ऐसे जब वो चल रहा था, तो पीछे वो भी पता नहीं कौन था, मतलब झांझरों की आवाज़ आ रही थी, मतलब ऐसे। फिर जब वो रुक जा रहा था, तो वो भी मतलब बंद हो जा रही थी। और इतना सफ़र उसने काटा मतलब, और जब वो बैठा, मतलब एक बाबड़ी आती है, उसने मेरे को बताया कि मतलब बाबड़ी पहाड़ी में बोलते हैं, बाबड़ी होती है जैसे जहाँ पे नहाते नहुते भी हैं, पानी वगैरह पीते हैं, मतलब ऐसे बैठते हैं टहलते हैं, तो वो मतलब वहाँ पे ऐसे पहाड़ी में बाबड़ी बोलते हैं, और इंग्लिश में मेरे को पता नहीं है। तो बाबड़ी आई और वहाँ पे वो बैठ गया, उसने पानी पिया मतलब, और ये 8:30-9 बजे की बात है, ये 9:30 बजे की, और उसने पानी पूनी पिया। तो जब वो पानी पी रहा था ना, मतलब ऐसे एक होता है ना कि मतलब ऐसे ऐसे लेन सी बनी हुई थी मतलब ऐसे, और उस पर बैठा हो उसने, और ऐसे मतलब ऐसे देखा ना मतलब पानी की तरफ, तो उसको ना एक परछाई सी दिखी, और उसको ऐसे लगा कि मतलब जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होती, नई नवेली दुल्हन नहीं होती जिसके बड़े बड़े मतलब पूरा श्रृंगार किया था, मतलब ऐसी ऐसी दिखी, और मतलब एक बार ही दिखी उसको, और दूसरी बार नहीं दिखी वो। फिर वो और डर गया, फिर वो मतलब थोड़ा जंगल और बचा हुआ था, फिर से वही झांझरों की आवाज़ आई, झांझरों की आवाज़ आई। फिर वो मतलब भागा होगा, उसके बाद नहीं मेरे को उसने बताया, पर यही मतलब उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मैं घर पहुंचा। फिर मैंने मम्मी को बताया,
तो उन्होंने मतलब पंडित के पास गए होंगे, फिर वो जाते हैं ना मतलब पूछने की क्या मतलब था, तो उनके पिंड में मतलब उसको पता नहीं था, वो उनके पिंड में मतलब शादी हुई थी और शादी के मतलब 2-3 दिन बाद ही मतलब उस लड़की की मतलब डेथ हो जाती है। पता नहीं किस पर्सन पता नहीं मतलब कुछ उसको कोई बीमारी थी कि क्या था कि मतलब जिस रास्ते से ना वो मतलब डोलना होता है ना एक मतलब जो लड़की को लेके जाते हैं वो 2.5 किलोमीटर मतलब चल के लेके गए थे, तो उसको बीच में ही कुछ हो रहा था मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, उसने बताया नहीं वो, पर 2-3 दिन में ही मतलब उसकी डेथ हो गई वो, फिर मतलब वो अब उनकी आत्मा भटकती है वहाँ पे। हाँ भटकती है मतलब ऐसे ही बताया उसने कि मतलब मेरे को ऐसा पर्सनल भाई, फिर मेरे को मैं बोला कि भाई ये कोई बड़ा भी गलत उसकी तो भाई कोई भी होगा तो उसकी तो भाई ऐसे ही मतलब ये हो जाएगा, बंदा डर जाएगा बंदा तो ऑब्वियसली यार। तो ये भाई चीज़ें सही में दिस इज़ वेरी डेंजरस टू हियर, एंड जो बंदा सफ़र कर रहा है उस टाइम पे ना उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत बहुत डरावनी होती हैं। तो थैंक यू। कुछ हुआ है ऐसा पर्सनली? मेरे साथ तो नहीं हुआ भगवान की दया से, हम तो भाई हनुमान जी को मानते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर देव नाम सुनावे, ये बात तो है। तो बस भाई हम तो हनुमान भगत हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। और बस गाइस यही थी मेरी स्टोरी, मतलब मेरी क्या मेरे दोस्त की स्टोरी थी, और भी बहुत कहानी है मेरे पास मतलब पर्सनल, जो मतलब मेरे को बंदे मेरे को भेज भी रहे हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग मतलब मैं सुनाऊंगा भी आगे से पॉडकास्ट अच्छे से करेंगे भाई, अभी तो मतलब ऐसे सस्ता सा। और ये लोकेशन जो है वो अनु के पीछे की लोकेशन है भाई, अनु मतलब जो ग्राउंड है उसके पीछे की लोकेशन है ये, तो अगर कोई भी मेरा भाई देख रहा है यहाँ से कोई आसपास से या कोई भी मतलब आप अपना शेयर कुछ करना चाहते हो आके तो ज़रूर शेयर करिएगा भाई, हम ऐसे ही बैठ के कर लेंगे कोई चक्कर नहीं है, और बहुत ही अच्छा हम सेटअप भी तैयार करेंगे बहुत जल्दी, तो अच्छे से पॉडकास्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और भी बहुत चीज़ें लाएंगे हम, बहुत चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ही देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉडकास्ट में, सॉरी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना गाइस, लव यू।